साथियों नमस्कार, मैं आपके सामने आरसीएम की जान आरसीएम के शान आरसीएम का मार्केटिंग प्लान प्रस्तुत करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। हम सब दुनिया में आए हैं तो कुछ ना कुछ काम करने के लिए आए हैं। काम हम क्यों करते हैं? ताकि हमें उससे पैसा प्राप्त हो सके। और पैसा हम क्यों प्राप्त करते हैं? ताकि हम उससे खर्च कर सकते हैं। और खर्च हम कहाँ कर सकते हैं? बाजार में खर्च कर सकते हैं। बाजार में हम सब एक ग्राहक होते हैं या कस्टमर होते हैं। हम सब सामान कहाँ से लाते हैं? अपने पास की एक छोटी सी दुकान रिटेल शॉप से लाते हैं। उसके बाद जो रिटेल शॉप वाला होता है, क्या वो अपने घर में सामान बनाता होगा? नहीं, वो अपने घर में सामान नहीं बनाकर अपने से बड़े स्टोर से लाता है जिसका नाम होता है होलसेलर। होलसेलर वो भी अपने घर में सामान न बना के अपने से बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से लाता है, और वो भी डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने से बड़े C&F एजेंट से सामान लेके आता है, और जो C&F एजेंट्स होते हैं उसके सीधे कॉन्टैक्ट होते हैं फैक्ट्री या कंपनी से। अब जो फैक्ट्री है वो अगर 10 रुपये में सामान बनाती है तो अपने तक पहुँचते पहुँचते क्या हुआ 10 रुपये तक रह जाता है? नहीं, वो डबल हो सकता है, 20 रुपये हो सकता है या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। क्यों होता है? क्योंकि 20% पैसा बीच के लोग खा जाते हैं, बिचौली खा जाते हैं, यानी रिटेलर होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर्स खा जाते हैं, और बाकी जो 30% पैसा होता है वो खा जाता है विज्ञापन। क्योंकि कंपनी प्रसार तो कर लेती है लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि फैक्ट्री में कोई सामान बना है, इसलिए उसको विज्ञापन करना पड़ता है। तो काफ़ी ज़्यादा पैसा विज्ञापन खा लेता है, और जो ये बिचौली होते हैं ये भी कोई भलाई करने के लिए नहीं बैठे होते हैं, इसलिए ये भी कुछ पैसा खा जाते हैं। अब देखते हैं, इस मार्केट को ट्रेडिशनल मार्केट कहते हैं, इसमें कुछ खामियां निकल गई। जैसे ये जो बिचौलिए हैं ये अपना कुछ ज़्यादा फायदा देखने के लिए अवैध फैक्ट्रियों का निर्माण करते हैं जिसमें ये डुप्लीकेट सामान बनाते हैं, तो हम तक सामान महंगा भी पहुंचता है और डुप्लीकेट भी पहुंचता है। तो इससे निपटने के लिए क्या किया जाए? इन सब से बचने के लिए हमारे आरसीएम के फाउंडर टीसी चावला सर ने क्या सोचा कि ये जो सिस्टम है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है फैक्ट्री, उसके बाद इम्पोर्टेंट है ग्राहक। तो टीसी सर ने सोचा क्यों ना इस बिचौलियों को हटा दिया जाए और क्यों ना इस विज्ञापन को हटा दिया जाए। तो कंपनी क्या कहती है कि हम आपके एरिया में एक छोटी सी दुकान इस तरह की खुला के देंगे, आपको भी 2 कदम चल के आना पड़ेगा, और जहाँ रिटेल की शॉप आ गई, आप आ गए, वहीं मार्केटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इस खूबसूरत व्यवस्था का नाम दिया RCM, यानी राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यानी खरीदारी करने का सही तरीका। इससे क्या होगा, इसके कुछ बेनिफिट्स होंगे, मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट है 100% शुद्धता मिल जाएगी, क्यों? क्योंकि बिचौली हट गए तो शुद्धता की गारंटी मिल जाएगी। सेकेंड है पक्का बिल हमको मिलता है, वो भी GST समेत हमको पक्का बिल मिलता है। थर्ड क्या हो गया कि हमें 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलती है, यानी अगर आप 5 साबुन लेके जाते हो, आपने एक साबुन खोला आपको अच्छा नहीं लगा, तो बाकी 4 साबुन आप अपने पास की शॉप पे दे सकते हो, आपको वो बिना कुछ किए ले लेगा और आपको बाकी पैसे दे देगा, ठीक है। फोर्थ चीज क्या हो गई, आपको 10-32% तक का परफॉर्मेंस बोनस के रूप में आपके अकाउंट में सीधा पैसा ट्रांसफर होता है। ये एक सिस्टम के माध्यम से होता है, इसकी चर्चा आप अपने अपलायंस से पूछ सकते हो। नेक्स्ट, आपको 10-20% तक के हर प्रोडक्ट पे MRP पे छूट मिल जाएगी, जो कि आपको दूसरे मार्केट्स में नहीं मिलती है। सिक्स्थ, आपको एक बिजनेस करने का मौका मिलेगा। जो पिछले 5 फायदे थे वो आपको ओनली फॉर खर्चा करने से मिलेंगे, यानी आप सिर्फ अपने घर की दुकान चेंज करना, आप जो घर दुकान से सामान लेके आ रहे हो वो इस दुकान से लाओगे, तो आपको ये 5 फायदे मिलेंगे। और अगर आपको थोड़ा सा इसके अगर आपने चर्चा कर ली तो आपको कंपनी बिजनेस करने का मौका देती है। तो अब इसमें जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री है। इसमें सिर्फ आपकी एक आधार की आगे की फोटो, पीछे की फोटो, आपके नॉमिनी का नाम और DOB और आपकी कुछ अदर डिटेल्स और बैंक का खाता की पासबुक की फोटो, ये सब चाहिए होता है। इन सबसे आप अपने अपलायंस से या आपको जिसने प्लान दिखाया है उससे आप ज्वाइन करवा सकते हैं। ज्वाइनिंग प्रोसेस एकदम सिंपल है, तो आप इस तरह हमारे RCM फैमिली में आ सकते हैं। धन्यवाद, ये था हमारी RCM का प्लान।